आज समस्या का समाधान के लिए हम लोग आसान्वित हैं सर, एक मिनट। लेकिन सर हम लोग आपके आवास पे भी बैठे हुए हैं, हमारे साथी वहाँ भी बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होगा तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। आप जान लीजिए कि हम जिस परिस्थिति में पटना है, हम मालूम है सर, आपकी पत्नी का तबियत खराब है मुझे मालूम है सर, हॉस्पिटल में है। हाँ बिल्कुल सर, बाद में मैं आपके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। शिक्षकों का जीवन कुमार जो है ना, जीवन पहला है, बाद में सरकार और विपक्ष की मैं बात करता हूँ। ये मुद्दा जो है, जो आज से नहीं आ रहा, ये मुद्दा पहले का मुद्दा है। मैंने इस बात को उठाया है, हाउस में उठाया है कि मैंने अपना वेतन अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि मेरे संकल्प थे, मैं अपने संकल्पों पर हमेशा अडिग रहता हूँ। हमारे जो संकल्प हैं, मैं अपने संकल्पों के साथ जीता हूँ और संकल्पों के साथ ही मेरा जो है आगे का रास्ता चलता है, हुई है। हमारे सेक्रेटरी साहब भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, माननीय मंत्री जी भी रहेंगे। वित्त रहित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कभी MLC फ्लैट को तो कभी MLC का घेराव करते हैं। लेकिन देखिए, इसी क्रम में पटना एयरपोर्ट पर BJP MLC जब पहुंच रहे थे तो उनका घेराव करने पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो है BJP MLC से भिड़ जाते हैं और कहते हैं, आपने तो कहा था कि जब तक हमारा वेतन मान नहीं होगा तब तक हम वेतन नहीं लेंगे। इस पे BJP MLC कहते हुए नज़र आ रहे हैं, आप लोग के कारण ही तो हम पटना आए, हमारी पत्नी बीमार है, हम उसको छोड़ करके आए हैं। लेकिन वहीं जब उनसे सवाल किया जाता है तो उन्होंने कहा है कि देखिए, हमने जो बात कही है उस बात पर हम अडिग हैं और हम वेतन अभी नहीं ले रहे हैं। क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं BJP MLC जीवन कुमार और साथ में शिक्षक जो है वो BJP MLC को सुना रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुने कि जब तक हमको वेतन, जब तक वित्त रहितों को वेतन नहीं मिलेगा, मैं वेतन नहीं लूंगा। हम लोग गुहार करने आए हैं, हम जहाँ भी है, मैं बता दे रहा हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, चाहे विपक्ष में रहा चाहे सरकार में हूँ, पहले जीवन कुमार शिक्षकों का जीवन है, उसके बाद किसी का जीवन है। सर सर, ये वित्त रहित, एक सेकंड सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक आपकी सरकार ने इस वित्त रहितों को अनुदान दिया है सर, और आपने हर कोटि के, हर संवर्ग के टोला सेवक से लेकर के किसी भी सेवक को आपने कोई न कोई मानदेय दे दिया है सर। इस न्याय के विकास, न्याय के साथ विकास की यात्रा में सिर्फ वित्त रहित छूट गया सर, कृपया इसको शामिल कराने की कृपा करें आज की बैठक में सर। आप जान लीजिए कि चुनाव के पहले भी मैंने बहुत सारे मुद्दे को रखा था सरकार के पास में, और चुनाव के बाद भी लगातार मैं मुद्दों को रखता रहा हूँ। बहुत सारे मुद्दों को सरकार ने सॉल्व करने का प्रयास किया, जैसे BPSC के माध्यम से जो बहाली हुई नियोजित शिक्षक हमारे बीच में थे उनको राजकर्मी का दर्जा दिया हुआ, ये मेरा ही आंदोलन किया हुआ था पूरे बिहार में, जान लीजिए। और मैंने कहा था कि वित्त रहित शिक्षकों का भी परमानेंट मैं समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा, और आपके लिए मैं आज भी खड़ा हूं और मैं लड़ूंगा और मैं जा रहा हूं। इसी आपके चलते ही हम लोगों ने हाउस में इस बात को रखा था, और आज उसी का देन है कि एक अलग से कमेटी बनाई गई जिसमें माननीय जो है हमारे मंत्री रहेंगे, माननीय हमारे सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी है वहाँ पे वो भी रहेंगे, और हमारे साथी सदन के साथी भी रहेंगे। ये हम लोग का मान किया गया सर, सर 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 सर, आज समस्या का समाधान के लिए हम लोग आसान्वित हैं सर, एक मिनट। लेकिन सर हम लोग आपके आवास पे भी बैठे हुए हैं, हमारे साथी वहाँ भी बैठे हुए हैं आपके आवास पे, लेकिन हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, हमारा दिवस है सर, हम 4 तारीख को भी फिर आपके पास आएंगे, और हम लोग लगातार, अगर कुछ नहीं होगा तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। जान लीजिए, आप जान लीजिए कि हम जिस परिस्थिति में पटना है, हम मालूम है सर, आपकी पत्नी का तबियत खराब है मुझे मालूम है सर, हॉस्पिटल में है। हाँ बिल्कुल सर, उसके बाद भी मैं आपके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, मेरे अंदर है, मेरे अंदर आपके प्रति भावना है, थैंक यू। देखिए, हमारे जो शिक्षक यहाँ आए हुए हैं एयरपोर्ट पे मिलने के लिए हम लोग से, इनके मांग जायज है, और हमने पहले भी इनकी मांग को उठाते रहे हैं, हम पहले भी सरकार से कहते रहे हैं कि आपने कहा है कि हम 4 लाख बहाली निकाल रहे हैं, और आपने कई बहालियां की हैं, इनकी संख्या, ये बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, हमारे गेस्ट टीचर हैं, हमारे अतिथि शिक्षक, हमारे फिजिकल टीचर हैं, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि चाहे सरकार विपक्ष में, हम विपक्ष में रहें या सरकार में रहें, सबसे पहले जीवन कुमार शिक्षकों का जीवन है। हमेशा मैं कहता हूँ कि शिक्षकों का जीवन कुमार जो है ना, जीवन पहला है, बाद में सरकार और विपक्ष की मैं बात करता हूँ। ये मुद्दा जो है, जो आज से नहीं आ रहा, ये मुद्दा पहले का मुद्दा है। मैंने इस बात को उठाया है, हाउस में उठाया है, और हमारे साथ एक हमारे साथी और भी उठाए थे, आज उसी के चलते आज मीटिंग भी रखा जा रहा है विधान परिषद में, और स्पेशली मैं इसी मीटिंग के चलते मैं यहाँ आया भी हूँ, ठीक है। और मेरा अपना मानना है कि ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, और निश्चित रूप से सॉल्व होगा, क्योंकि इनके साथ न्याय होना ही चाहिए जी। सर, आपने कहा था गेस्ट शिक्षक का कि जब तक वेतन उनको नहीं मिलेगा तब तक मैं अपना वेतन नहीं उठाऊंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने अपना वेतन अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि मेरे संकल्प थे, मैं अपने संकल्पों पर हमेशा अडिग रहता हूँ। हमारे जो संकल्प हैं, मैं अपने संकल्पों के साथ जीता हूँ और संकल्पों के साथ ही मेरा जो है आगे का रास्ता चलता है। देखिए, सवाल यह है कि हालात कब बदलेंगे, सरकार आपकी है, सवाल तो आपसे पूछा। देखिए आप सही कह रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार हमारी है,
देखिए सरकार में बहुत चीज़ें ऐसा है जो सरकार को लगता है कि ये चीज़ें हमें नहीं माननी चाहिए, हाँ लेकिन हमारा अपना मान, लेकिन मैं सरकार के साथ हूँ नहीं हूँ ये फ़र्क नहीं करता, मैं सबसे पहले शिक्षकों के साथ हूँ, शिक्षा व्यवस्था के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदले, बिहार में शिक्षकों की व्यवस्था बदले और शिक्षकों के साथ जो गलत तरीके से अमानवीयपूर्ण व्यवहार हुए हैं वो नहीं हो, और इसलिए ये मामला जो है जायज़ है। निश्चित रूप से बहुत सारे मामले हमारे पास इसके अलावा और भी हैं, गेस्ट टीचर के अलावा फिजिकल टीचर्स का मामला है, हम बहुत सारे अनुदानित कॉलेज का मामला है, अनुदानित हाई स्कूल का मामला है जहाँ पे ग्रांट की इशू है, वो सारे मामले को मैंने उठाया है और ऐसे सारे मामलों पर डिस्कस होगा वहाँ पर, और मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएँ जो है वो सॉल्व होगा, क्योंकि हम लोगों ने विधान परिषद में मांग किया था कि एक अलग से हम लोग का कमेटी गठित की जाए, अलग से मतलब सेक्रेटरी बैठें, विधानसभा के विधान परिषद के अध्यक्ष बैठें और हम लोग साथ में बैठे, एक अलग से डिस्कस हो, और आज वो डिस्कशन होने की बात हुई है। हमारे सेक्रेटरी साहब भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, माननीय मंत्री जी भी रहेंगे, तो सब लोग रहेंगे, तो जो लोग इसको देखने वाले लोग हैं, जो व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, वो सारे व्यवस्था को चलाने वाले लोग आज रहेंगे और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। तो आपने सुना कैसे जो है बीजेपी एमएलसी को सुना रहे थे, उसके बाद बीजेपी एमएलसी ने कहा है कि हम वेतन नहीं ले रहे हैं, आप लोगों का काम जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम जो है वेतन नहीं लेंगे। वहीं पे उन्होंने कहा कि देखिए वेतन तो हम नहीं ले रहे हैं, आज जो है हम जा कर के शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे, सेक्रेटरी से भी मिलेंगे और इनकी मांगों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।